देखो लास्ट ईयर यानी 2022 कार कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है। बहुत सारे ऐसे कार ब्रांड्स हैं इंडिया की जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करे हैं, नए कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। उसी वजह से इन कार ब्रांड्स का सेल 2022 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। लेकिन कुछ कार कंपनियाँ ऐसी भी हैं जिनको ज़रूरत है इंप्रूवमेंट्स करने की, नए प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की। हालांकि ये चीज़ें इन कार कंपनियों ने 2022 में नहीं करी है, उसी वजह से इन कार कंपनियों का सेल 2022 में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 14 कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने पिछले साल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेचा है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स इन 2022। और यहाँ पर टाटा, महिंद्रा और हुंडई का सेल सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले है। 14th पोजीशन पर सिट्रॉन कंपनी आई है जो की न्यू ब्रांड है इंडिया के लिए, और आज के डेट में ये कार कंपनी इंडिया में 2 कारों को बेच रही है। पिछले साल सिट्रॉन कंपनी का सेल था 6,134 यूनिट यानी 6,134 कारों को बेचा था इस कार ब्रांड ने पूरे 2022 में, और 2021 में 624 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर लगभग 883% की ग्रोथ हुई है, और इस ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है C3 Aircross का। इस कार का सेल अच्छा खासा हो रहा है इंडिया में, और आने वाले कुछ दिनों में ये कार कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, और बहुत जल्दी इस कार कंपनी की तरफ से एक 7-सीटर कार को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और ये 7-सीटर कार कम्पीट करेगी अर्टिगा के साथ, इसके अलावा किया करेंस के साथ इसका मुकाबला होने वाला है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि सिट्रॉन की 7-सीटर कार अर्टिगा को टक्कर दे पाती है या फिर नहीं। 13th नंबर पर जीप इंडिया आई है, और जीप कंपनी ने लास्ट मंथ 13,263 कारों को बेचा है। 2021 में जीप का सेल था 11,652 यूनिट, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हालांकि आज के डेट में जीप कंपनी मेरिडियन को बेच रही है, इसके अलावा ग्रैंड चेरोकी को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, कंपास इंडिया में काफी लंबे समय से बिक रही है, ट्रेल हॉक एडिशन मॉडल भी लॉन्च किया गया है। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भी जीप का सेल हर महीने 700 रहता है, कभी 800 रहता है, कभी 900 रहता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन जीप की कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 12th पोजिशन पर निशान कंपनी आई है, और पिछले साल निशान कंपनी ने 35,107 कारों को बेचा है, यानी लगभग 35,000 कारों को बेचा है निशान इंडिया ने। लेकिन निशान की मैग्नेट पूरे साल चर्चे में रही है, हालांकि ये कार काफी बेहतरीन है और इसको अच्छा खासा रिस्पांस इंडिया में मिल रहा है। लेकिन 2021 में निशान कंपनी का सेल था 36,173 यूनिट, और यहाँ पर 2022 में 13% की गिरावट आ चुकी है निशान के सेल्स रिपोर्ट में। 11th नंबर पर फोक्सवैगन आई है, और पिछले साल फोक्सवैगन कंपनी ने कोडियाक का न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च किया था, इसके अलावा टाइगुन को लॉन्च किया था, वर्टस को लॉन्च किया था। इसी वजह से फोक्सवैगन के सेल्स में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। 2022 में फोक्सवैगन ने 42,481 कारों को बेचा है, लेकिन 2021 में फोक्सवैगन का सेल था 26,930 यूनिट। तो यहाँ पर 2022 में 58% की ग्रोथ हुई है फोक्सवैगन के सेल्स रिपोर्ट में, और इस ग्रोथ के पीछे दो ही कारों का हाथ है, पहली है टाइगुन और दूसरी है वर्टस। 10th नंबर पर एमजी कंपनी आई है, और एमजी कंपनी ने लास्ट ईयर 48,068 कारों को बेचा है, और 2021 में 40,273 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर एमजी के सेल्स में आपको लगभग 19% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और पिछले साल ही एमजी कंपनी ने एस्टर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। यहाँ पर एमजी कंपनी का सेल उतना ज्यादा नहीं है जितना कि ये कार कंपनी अपने कारों के अंदर फीचर्स दे देती है, हालांकि आपको काफी एडवांस लेवल के फीचर्स एमजी की कारों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एमजी एस्टर के अंदर आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा, सनरूफ भी इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। अगर आप एस्टर का बेस मॉडल खरीदते हो तो उसके अंदर आपको काफी लाजवाब फीचर्स मिल जाएंगे। खैर इतने लाजवाब फीचर होने के बावजूद भी इस कार ब्रांड का सेल हर महीने 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में रहता है। 9th नंबर पर स्कोडा आई है, और स्कोडा के भी सेल्स में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर स्कोडा ने स्लाविया को लॉन्च किया था, इसके अलावा कुशक को लॉन्च किया था। दोनों ही कारों को काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन स्कोडा की कुशक इसके अलावा फोक्सवैगन की टाइगुन ये दोनों कारें आज के डेट में इंडिया की सबसे सेफेस्ट कारें हैं। दोनों ही कारों को सेफ्टी में 5-5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, और इन दोनों ही कारों को मैक्सिमम पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से ये दोनों ही कारें आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन पिछले साल स्कोडा ने 53,721 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, और 2021 में 23,858 कारों को बेचा था। तो स्कोडा के सेल्स में आपको लगभग 125% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और इस कार ब्रांड ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करे हैं। 8th नंबर पर रेनॉल्ट कंपनी आई है, और पिछले साल रेनॉल्ट कंपनी ने 81,042 कारों को बेचा है, लेकिन 2021 में 95,878 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको रेनॉल्ट के सेल्स में
लगभग 15% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ये कार कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इंडिया में। 7th पोजीशन पर हुंडा आई है और हुंडा के सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू 2021। लास्ट ईयर हुंडा ने 95,022 कारों को बेचा है, लेकिन 2021 में 89,133 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर 2022 में आपको हुंडा के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हुंडा का सेल 1 लाख के ऊपर आराम से जा सकता था 2022 में अगर हुंडा कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती, इसके अलावा अपने करंट मॉडल के अंदर अपडेट लाती टाइम पर। हालांकि ये चीजें हुंडा की तरफ से नहीं हुई है, उसी वजह से हुंडा का सेल 1 लाख के नीचे ही रह गया है। खैर, 6th नंबर पर टोयोटा आई है और टोयोटा ने तो सबके नाक में दम करके रखा है। लास्ट ईयर टोयोटा ने 1,60,357 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, यानी 1.5 लाख के ऊपर कारों को बेचा है। हालांकि यहाँ पर टोयोटा की कारों की प्राइस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, उसके बावजूद भी टोयोटा का सेल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लेकिन 2021 में टोयोटा ने लगभग 1,30,748 कारों को बेचा था, तो यहाँ पर आपको टोयोटा के सेल्स में लगभग 23% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 5th पोजीशन पर किया कंपनी आई है और किया के भी सेल्स में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लास्ट ईयर किया ने 2,54,556 कारों को बेचा है, लेकिन 2021 में 1,81,583 कारों को बेचा था। तो किया कंपनी के सेल्स में लगभग 40% की ग्रोथ हुई है और इस ग्रोथ के पीछे तीन ही कारों का हाथ है। पहली है सेल्टोस, दूसरी है सोनेट और तीसरी है किया की करेंस। तीनों ही कारों को काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है और इस वाले ऑटो एक्सपो में किया कंपनी सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। सेल्टोस के फेसलिफ्ट मॉडल का एक डिटेल रिव्यू वीडियो में लाने वाला हूं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। 4th नंबर पर महिंद्रा कंपनी आई है और महिंद्रा के सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लगभग 65% की ग्रोथ हुई है महिंद्रा के सेल्स में और लास्ट ईयर महिंद्रा कंपनी ने 3,35,088 कारों को बेचा है, यानी 3 लाख के ऊपर महिंद्रा ने कारों को बेचा है, जो कि काफी बेहतरीन है। और 2021 में 2,01,693 कारों को बेचा था, यानी 2021 में 2 लाख कारों को बेचा था और 2022 में 3 लाख के ऊपर कारों को बेचा है महिंद्रा कंपनी ने। ये 3 लाख का आंकड़ा 5 लाख तक भी जा सकता है अगर महिंद्रा कंपनी अपनी कारों की डिलीवरी टाइम पर दे देती है। खैर, 3rd नंबर पर टाटा आई है और टाटा ने पिछले साल 5,26,798 यूनिट को बेचा है, यानी 5 लाख के ऊपर टाटा का सेल हुआ है और एक साल में टाटा ने 5 लाख कारें बेची है पूरे इंडिया में। और टाटा के सेल्स में आपको लगभग 59% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2021 में टाटा ने लगभग 3,31,181 कारों को बेचा था, यानी 2022 में महिंद्रा ने जितनी कारों को बेचा है उतने ही कारों को टाटा ने 2021 में बेचा था और यहाँ पर लास्ट ईयर यानी 2022 में टाटा का सेल 5 लाख के ऊपर जा चुका है। तो टाटा के सेल्स में आपको लगभग 59% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और टाटा की बहुत सारी ऐसी कार है जिनको काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में टाटा 2nd नंबर पर आराम से आ जाएगी। 2nd नंबर पर हुंडई कंपनी आई है और लास्ट ईयर हुंडई कंपनी ने 5,52,511 कारों को बेचा है और 2021 में 5,05,033 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर हुंडई का सेल लगभग 9% से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 2021 में बहुत सारे ऐसे मंथ थे जहाँ पर टाटा 2nd पोजीशन पर आती थी और हुंडई 3rd पोजीशन पर आती थी। दोनों ही कारों के बीच नॉर्मल सा अंतर रहता था, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से 2023 में टाटा आराम से हुंडई को हरा देगी। इसके बारे में आपके क्या विचार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी आई है, जो कि हमेशा रहती है कार सेल्स रिपोर्ट में, और लास्ट ईयर मारुति सुजुकी ने 15,76,025 कारों को बेचा है। इसके अलावा 2021 में 13,64,787 कारों को बेचा था, यानी 2022 में 15 लाख कारें बेची, इसके अलावा 2021 में 13 लाख कारों को बेचा था। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी के सेल्स में आपको लगभग 15% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और मारुति के इस सक्सेस के पीछे बहुत सारे रीजन है। मारुति सुजुकी अपने कारों के अंदर टाइम पर अपडेट लाती है, न्यू कारों को वक्त पर लॉन्च करती है, हालांकि अपडेट हमेशा लाती है, और मारुति सुजुकी के बहुत सारे कारों के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी की जो सर्विस है वो भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है, इसी वजह से बहुत सारे लोग मारुति सुजुकी कारों को प्रेफरेंस दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज नहीं मिलेगी, वो है सेफ्टी। तो ये 14 कार ब्रांड्स थी जिन्होंने लास्ट ईयर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेचा है। यहाँ पर 2-3 ही ऐसे कार ब्रांड्स है जिनके सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी, बाकी सभी कार ब्रांड्स ने काफी ज्यादा ग्रोथ हासिल करी है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।